हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों स्वागत है आप सबका ऑडिटोहलिक सीरीज में। ऑडिटोहलिक मैंने अपनी इस बुक का नाम रखा है जो मैं ऑडिट के लिए आपकी डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखती है दोस्तों, और इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों एज अ सीए आपका ऑडिट एक जुनून होना चाहिए, एक पैसन होना चाहिए, और हॉलिक मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं। तो ऑडिटोहलिक इसका नाम इसलिए रखा मैंने बुक का क्योंकि मैं तो एडिक्टेड हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी अपने इस पैशन के लिए, इस वर्क के लिए ऑडिटोहोलिक हो जाए। दोस्तों इस पार्ट में अपने लास्ट पार्ट अपने जितने भी बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं जो बात करता है कि एक ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तो इसके लिए सर इस क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग में आपको सिखा दूँ, पहले बता दूँ, क्योंकि जब तक आपकी वर्ड मीनिंग अच्छी नहीं होगी आप इस क्वेश्चन में कमांड नहीं बना पाएंगे। सर सबसे पहली एक वर्ड मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, फर्मनेस। ये वर्ड आपको मिलेगा, फर्मनेस का मतलब होता है सर वन माइंड। वन माइंड मतलब जब सब लोग एक ही तरीके से सोच रहे होते हैं और सबकी सहमति होती है तो उसको हम वन माइंड कहते हैं। कई बार ऑडिट में इसी के लिए एक वर्ड दिखेगा, रिजिडिटी। ठीक है सर, ये आर बनाया मैंने, आर आर आई जी आई डी आई टी वाई, रिजिडिटी। तो सर इन सब का मतलब एक ही होता है, वन माइंड। सर एक वर्ड आपको मिलेगा, टैक्ट। TACT, टैक्ट। टैक्ट का मतलब होता है सर हैंडल करने की पावर, हैंडल करने की पावर। फिर सर आपको एक वर्ड मिलेगा, गुड टेंपर। गुड टेंपर सर, टेंपर मतलब होता है गुस्सा करने वाला। गुड टेंपर मतलब इतना ही गुस्सा जितना जायज हो, ज्यादा नहीं। सर क्यों? तो आप इसे लिख सकते हैं, गुस्सा कम करने वाला। जो कम गुस्सा करते हैं उन्हें कहते हैं गुस्सा कम करने वाला, या कई बार ना करने वाले को भी बोलते हैं, ना करने वाला। जो मतलब गुस्सा कर ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप गुस्सा करोगे तो क्या होगा, लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। अब एक सीए का बॉस है, लेट सपोज उसके अंडर में 10 आर्टिकल्स काम करते हैं। अब ये दिन भर इन पे काम करेगा तो क्या आर्टिकल खुश होकर इनसे के साथ काम करेगा? नहीं, वो दुखी हो जाएगा, वो छोड़ के भागेगा फर्म को। इसीलिए एक सीए को ऑलवेज गुड टेम्पर होना चाहिए। फिर सर एक वर्ड आपको मिलेगा, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ठीक है सर, इसका मतलब होता है ऑनेस्टी, कि हमारे ऑडिटर भैया बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होने चाहिए। उसके बाद है सर एक वर्ड होता है, डिस्क्रीशन। दोबारा से लिख देता हूँ, डी आई एस कहाँ भाग गया यार ये वर्ड, अभी तो था खो के सामने, कहाँ गया ये वर्ड। यस, मैं DISCRETION, ठीक है सर। सर इसका मतलब होता है पावर ऑफ चॉइस। सर ये सारी वर्ड मीनिंग सीखने के बाद हम आंसर पढ़ेंगे, तब आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, इसलिए पहले लिखवा दे रहा हूँ। डिस्क्रिशन यानी पावर ऑफ चॉइस। फिर सर एक वर्ड मिलेगा आपको, इंडस्ट्री। सर आपको इंडस्ट्री का मतलब पता है? बड़ा मजेदार शब्द है, आप कई बार सुनेंगे हमें इंडस्ट्री में काम करना है, इंडस्ट्री में काम करना है। सर एक्चुअली में इंडस्ट्री में काम करने का मतलब है जहाँ पे हार्डवर्क करना है। इंडस्ट्री वर्ड का मतलब है हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, यानी हम ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगता है। ठीक है सर, उसके बाद सर जजमेंट एक वर्ड आएगा। तो जजमेंट का मतलब निर्णय लेने का आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है आप एक अच्छे ऑडिटर नहीं बन सकते। इसके ऊपर हम लेटर लिख देते हैं क्योंकि हम इसे आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर सर एक वर्ड होता है, पेशेंस। ये सबको आपको पता है, धैर्य। धैर्य मतलब एक ऑडिटर काम कर रहा है, अब एक सबूत नहीं मिल रहा है, एक उसको ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, अब वो सब पे गालियाँ दे रहा है, अबे नालायको, #BB, कहाँ है डॉक्यूमेंट, जरा दिखाओ। तो जब आपको डॉक्यूमेंट ना मिले तो आपको गुस्सा नहीं होता है, आपको पेशेंस रखना है, आपको खुद से कोशिश करनी है। सब सब आपको वर्ड सिखाया था ना सर मैंने, उसमें हमने क्या सीखा था कि पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस में क्या होना चाहिए कि एक ऑडिटर अगर काम करवा रहा है 10 लोगों से, ठीक है, और उसे एविडेंस चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, कोई काम नहीं कर रहा, तो सर एक ऑडिटर को हमेशा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगा तो वो जल्दबाजी में क्या करेगा, चीज़ों का एक्शन गलत ले लेगा। फिर सर एक वर्ड होता है, क्लियर हेडनेस। क्लियर हेडनेस, क्लियर हेडनेस का मतलब क्या होता है सर, कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है,
और आपको पता है कि ये काम कैसे होने वाला है, तो इसको बोलते हैं क्लियर हेडनेस। ठीक है, ये सारी वर्ड अभी बुक में आपको मिलेंगे। उसके सर एक बात वर्ड होता है रिलायबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भैया जब तक आप, जब 10 लोग मिलकर काम कर रहे हो, आप लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर सकते। और जब आपको पता है कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आप उस काम को बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आप बुक पढ़ने के लिए रेडी हैं। एन ऑडिटर हैज टू हैव द फॉर्मल क्वालिफिकेशन फर्स्ट। ठीक है सर, सबसे पहली बात उसके पास फॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है। ही इज कंसर्न्ड विद रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल मैटर। ठीक है भैया, उसको क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है किस पे, फाइनेंशियल मैटर पे, बिजनेस एंड अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है सर, और वो फाइनेंशियल मैटर किसके हो सकते हैं, बिजनेस के भी हो सकते हैं और अदर इंस्टीट्यूशन के भी हो सकते हैं। फ्रॉड एंड एरर्स आर फ्रीक्वेंट एवरीवेयर, मतलब हर जगह फ्रॉड एंड एरर तो आते रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या क्या होनी चाहिए सर, उसकी पर्सनल क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। टैक्ट होना चाहिए, कॉशन होना चाहिए सर, फर्मनेस होनी चाहिए, गुड टेम्पर होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिशन होना चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, जजमेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्लियर हेडनेस होनी चाहिए एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अब बोलो सर, ये आपने इतनी जल्दी क्यों पढ़ा दिया भाई, इतनी देर से यही तो वर्ड मीनिंग में लिख के यहाँ बता रहा हूँ ना। ठीक है, इन वर्ड मीनिंग को एक बार देख के, एक बार दोबारा से इस वर्ड मीनिंग को पढ़ो और उसके बाद ये पैराग्राफ पढ़ो, आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद आगे बात आई कि भैया ये बताओ अदर क्वालिटी क्या है एक ऑडिटर की। ठीक है, तो अदर क्वालिटी में मैं आपको बताता हूं, लिख के ही बात करते हैं सर पहले। अदर क्वालिटी, अदर क्वालिटी में अगर हम बात करें तो भैया सबसे पहली बात ये कहता है कि भैया आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। बोलो कौन कौन से लॉ, अरे बहुत सारे हो गए भैया, कंपनी लॉ हो गया, इंडस्ट्री लॉ हो गया, है ना, और आपके कौन कौन से लोग हो लॉ हो गए, आपके नेगोशिएबल बिजनेस लॉ वगैरह हो गया, और आपके जो अदर लॉ हैं सारे लॉ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करने जा रहे हैं वहाँ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको भैया टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट है मेरी, उससे उसके मतलब स्टूडेंट है, लॉयर है, लॉयर की भी पढ़ाई कर रही है, उसके दोस्त ने उसको कॉल करके कहा कि तू क्या कर रही है आजकल। इसने कहा कि जी मैं जीएसटी की क्लास कर रही हूँ, आजकल ऑनलाइन आती है फ्री में, आप भी देख सकते हैं अगर आपको करना है तो। बाकी हम टॉप 50 के बैच में, विनीत सर का एक टॉप 50 का बैच है, उसमें हम लोग शामिल हैं। वहाँ पर मैं रोज़ टेस्ट देती हूँ और मेरे अच्छे नंबर आते हैं, आजकल मैं 5 out of 5 लाती हूँ। अब ये इसका दोस्त जिसका नाम है चोचू लाल, चो चू लाल, CCL, ठीक है, ट्यूबलाइट है ये क्या है, एक ट्यूबलाइट, ये इसे क्या कहता है, अरे छोरी अभी जीएसटी पढ़ के क्या करेगी, अभी तो तुझे एंजॉय करना चाहिए, है ना। इसने अभी एक अटेम्प्ट दिया था लॉयर ने, अभी इसने ये नवंबर का अटेम्प्ट दिया था, तो ये रिजल्ट आने से पहले, अपने जैन से पहले मेरे साथ जीएसटी, ऑडिट और बाकी अदर सब्जेक्ट कर रही है। तो फिर इस भाई ने क्या कहा, मतलब ये सारे सब्जेक्ट कहाँ हो रहे हैं, यही तो हो रहे हैं, यूट्यूब पे तो करा रहा हूँ मैं आप सबको एक साथ। ठीक है सर, यही बात है। तो ये क्या कह रहा है, अबे अभी क्यों कर रही है, अभी तो तूने रिजल्ट दिया है, तो ये तो 1 जनवरी तक, 1 फेब तक इंजॉय करना चाहिए। अब ऐसे दोस्त जिसकी ज़िंदगी में आ गए वो जहन्नुम जिंदगी हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं देते। अब आप बोलोगे जीएसटी का एग्जाम्पल इससे क्यों लिया आपने, अरे यार जब तक तुम्हें एक अच्छा ऑडिटर बनना है, अभी आप मान लो आप टॉप 4 फर्म में चले गए, आपको लेट सपोज एग्जाम भी क्लियर हो गया और आपको जीएसटी नहीं पता, आपको टॉप 4 फर्म वाले क्यों रखेंगे ये बताओ। आपको जो करंट लॉ चल रहा है जीएसटी, आपको ना उसके रिटर्न के बारे में पता है, ना जीएसटी क्या होता है इसके बारे में पता है, आपको क्यों रखा जाए। आपको अदर क्वालिटी इसलिए कहा जा रहा है कि भैया टैक्सेशन की नॉलेज रखो, लॉ की नॉलेज रखो, कि आप अप टू डेट रहे ना। अब ये समझो कि ये जिस दिन ये लड़की जो है इस, ठीक है सर, ये जैनी जी है हमारी, जिस दिन ये जैनी जी एक लॉयर बन गई, उस दिन ये एक सीए से ज़्यादा अच्छा कमा सकेंगी, क्योंकि इन्हें अदर लॉ की इतनी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी टाइप का जो केस होगा उसे डील कर लेंगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या वो हाई कोर्ट हो। तो सर लोगों को पता नहीं होता, वो बस बड़बड़ करना जानते हैं, क्योंकि वो काबिलियत को नहीं पहचानते। आपको सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई इंसान पढ़ रहा है, दोस्त मैं रियली कहूँगा, अपने एक कैरियर में, अपने एक ड्रीम में दोस्तों को अवॉइड करो। ये जितने भी दोस्त होते हैं ना, ये ज़िंदगी झंड बनाने वाले होते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं हो रहे होते और आपकी जो स्पीड चल रही है ना उसमें भी आके वो इंटरप्शन करते हैं। अवॉइड करो ऐसे दोस्तों को, उन्हीं से बात करो जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी तरह बोलते हैं, दिन रात आपकी तरह अपने सपनों को टटोलने के लिए, उनको पाने के लिए कुछ करते हैं। ठीक है सर, ऐसे दोस्त बनाओ, नेगेटिव लोगों को गोली मार दो मेरी तरफ से। ठीक है भैया, उसके सर बाद एक वर्ड आता है
पेक्यूलियर, पेक्यूलियर क्यों पढ़ रहा हूँ जरा समझो सर, PECU, PQ, पेकुलियर, पैकी पेकुलियर, इसका मतलब होता है सर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज से क्या होता है सर, पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। सर इसके लिए एक मस्त एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का। अभी लास्ट ईयर के आसपास ना एक चंडीगढ़ साइड में आपका अंबाला है ना, अंबाला कैंट, एक अंबाला कैंट है, वहाँ से तकरीबन आपके 20 किलोमीटर की रेंज में एक पैनीशिया करके है। पैनीशिया, पैनीशिया क्या करते हैं सर, दवाइयाँ बनाती हैं। तो दवाइयों का जो प्रैक्टिकल होती है वो जीव जंतुओं पे, चूहे बिल्ली पे ट्राई करते हैं, आई थिंक चूहों पे करते हैं, मैंने लैब देखा था। अब वहाँ पे जब ऑडिट करने के लिए गए तो असेट्स को ऑडिट था कि असेट्स को वेरीफाई करो। अब वहाँ पे क्या हुआ कि भैया हमें तो मशीनों के बारे में नहीं पता, हमें तो ये नहीं पता कि इस मशीन से क्या होता है, हमें तो ये नहीं पता ये जो मशीन इस लिस्ट में लिखी है क्या ये वही है, हमें तो ये भी नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता कि भैया यहाँ के लोग कैसे काम करते हैं क्या करते हैं। दैट इज पेक्यूलर या स्ट्रेंज फीचर्स ऑफ क्लाइंट बिजनेस। यानी मैं क्लाइंट बिजनेस पे जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि भैया यहाँ काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब तक मुझे उसका आइडिया ही नहीं है तो फिर वो अगर मुझे सरसों का तेल, ठीक है सर, उस ऑयल को ही बोलेगा ना कि भैया ये केमिकल है तो मुझे मानना पड़ जाएगा, क्योंकि तो मुझे पता ही नहीं कि केमिकल और ऑयल में डिफरेंस क्या होता है। इतना कॉमन सेंस तो लगा सकते हो ना। आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एक ऑडिट पे आप गए, उस ऑडिट में बड़े बड़े टैंकर हैं, ठीक है सर, ये 500 ml के टैंकर, ठीक है, इसमें ऑयल होता है, क्या होना चाहिए, ऑयल। आप ऑडिट पे गए, ये सारे खाली थे, क्या थे, खाली थे, लेकिन इनमें पानी भर दिया गया, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि सब भरा हुआ है। अब आपने इनकी वर्थ एक टैंकर की मान लो 1 करोड़ है, यहाँ पे 10 टैंकर थे, आपने इनकी वैल्यू 10 करोड़ थी और आपने बैलेंस शीट पे क्या कर दिया, साइन कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर टैंकर है, आपने क्या एक बार ठकठका के देखा, क्या आपने एक भी टैंकर की सीढ़ियों पे चढ़ के यहाँ से झांक के देखा कि सच में ये भरे भी हुए कि नहीं हुए, क्या इनमें सच में ऑयल है कि नहीं है। अरे यार कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ ना। आपको वहां आप जा रहे हो इंडस्ट्री में और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। अब आप बोलो भैया हम इंजीनियर थोड़ी ना है, हम अब लेट सपोज आप इलेक्ट्रिसिटी के किसी वहां पे गए डिपार्टमेंट में, उसने बोला कि भैया ये ना इन्वर्टर है और ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अरे ठीक है भाई, एज अ सीए आप इसके अंदर घुस कर नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ ये तो देख सकते हो कि सच में रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये सच में इसकी वायर्स वगैरह कनेक्ट है कि नहीं है, क्या सच में, मतलब आप इंजीनियर मत बन जाओ, आप सब कुछ ना बन जाओ, लेकिन कॉमन सेंस जो ये जो बल्ब है आपका कॉमन सेंस का, ये तो जला के रख सकते हो ना, मैं ये कह रहा हूँ। फिर सर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ऑब्वियसली एक अच्छे ऑडिटर को अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग में उसको जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, कॉस्ट हो गया, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हो गया, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको जनरल इकोनॉमिक ट्रेंड, GET ट्रेंड, ठीक है, जनरल इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। क्यों, इससे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर होके क्या करेगा, हम सामने वाली इंडस्ट्री और जिस कंपनी में हम गए उसकी इंडस्ट्री में आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमें ये पता चलेगा कि फाइनली हमारी इंडस्ट्री जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सही ग्रोथ दे रही है या नहीं दे रही है, इसका ध्यान हम रखेंगे, ठीक है। और फाइनली इन्होंने यहाँ पे जब हमें ये बताया, उसके बाद ये कहते हैं भैया अलर्टनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, अलर्टनेस ऑफ माइंड, अलर्टनेस ऑफ माइंड मतलब आपका दिमाग की बत्ती जली होनी चाहिए, आप ट्यूबलाइट नहीं होने चाहिए सर, आप CFL होने चाहिए। कैसे, क्या होने चाहिए सर, CFL, नॉट ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट और CFL में क्या होता है सर, ट्यूबलाइट जलने में टाइम लगता है, लेकिन CFL ऑलवेज तुरंत खटका दबा और CFL जला और ज्यादा प्रकाश के साथ जलता है। अलर्टनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला बड़ा आपका बंदा आपको बड़ा वाला सी ना बना के चला जाए। आपको सी नहीं बनना भैया, आपको CA बनना है, ठीक है सर, कहीं आपको मामू बना दिया। अरे आपका आप क्या आपकी गलती क्या होती है, आप वहां जाते हो क्लाइंट प्लेस पे तो वहां का जो पिज्जा होता है, सांबर डोसा होता है, वहां जो कोक की बोतल होती है, वहां जो वाइन वगैरह की बोतल होती है, वो आपको इतना अच्छा अच्छा पेश करते हैं खाने पीने का कि आप इसी में भूल जाते हैं, आप ये यही भूल जाते हैं कि भैया मेरा वर्क क्या था। आप शोहरत और दौलत के चक्कर में ना आए, आपको परमात्मा ने इतनी शोहरत वाली डिग्री दी है, लोगों का इतना बड़ा ट्रस्ट दिया है, इसे ना भुलाएं। प्लीज अपने काम को अलर्ट होके करें, अपने दिमाग को खुला रख के करें। कोई भी बंदा आपको अगर उल्टा बताए तो आप उस पर राह पे ना चलने लग जाए, अपना कॉमन सेंस, परमात्मा ने जो इतना बड़ा आपको ब्रेन दिया है इसका यूज करते हुए काम करना है। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपको, ये टंकी है, इसमें आप ये तो चेक कर सकते हो ना सर, ये एक बार छूओगे अगर ये खाली होगी तो वैसी आवाज करेगा, भरी टंकियां कभी आवाज नहीं करती, एक बार चढ़ के जरा मुझे ऊपर देख लेना चाहिए इसमें सच में क्या है,
चेक नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल ट्राई तो कर सकता हूँ ना देख के कि सच में ये है कि नहीं है, तो वो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करेंगे बताएंगे। और सर फाइनली आपके लिए एक आता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब ऑडिट के जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ये क्या होते हैं, ये सर पूरी सीरीज है अपनी, अपने सिलेबस में आता रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको एसेट 240 के बारे में बताऊंगा, तो वो भी आता रहेगा, धीरे धीरे हम सीखेंगे, ठीक है सर। तो इसी के साथ सर ये टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। एक बार रीडिंग फास्ट फास्ट मार लेते हैं बुक से, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है आप कितनी जल्दी मारते हैं। ही मस्ट हैव अ कंप्लीट थोरो, यानी इसे सर थोरो पढ़ना प्लीज मेरे साथ फिलहाल, थोरो या कंप्लीट नॉलेज ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए, अजनबी जगह जा रहे हो तो वहां की थोड़ी सी नॉलेज रखो, जो केमिकल वाला एग्जाम्पल दिया, एक्स 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 हाउ अस्टिव, ठीक है सर, एक्सॉस्टिव पढ़ो, या एक्स हा ऊ स टिव। सर स्पेलिंग पे ध्यान देना है सर, आपकी स्पेलिंग की गलती से आपके मार्क्स कट जाते हैं, बिल्कुल सर ध्यान देना है। नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन ऑल दी ब्रांचेस, मतलब सारी ब्रांचेस वगैरह जितना भी है सबका आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, अलर्टनेस रखनी है, जनरल इकोनॉमिक ट्रेंड का ख्याल रखना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड टेक्निक्स एंड अदर प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। फिर सर एक छोटी सी बात आती है, एक केस लॉ हुआ था, केस लॉ में हमारे एक थे जस्टिस लिंडले, ठीक है सर, जस्टिस लिंडले जी ने एक बात कही थी बहुत प्यारी सी, वो मैं आपके साथ रीड आउट करना चाहूंगा सर, बहुत प्यारी बात है ये सर, हल्का सा एक मिनट सर ठीक करता हूँ मैं सर। ये सर टेक्निकल इश्यू छोटे छोटे आते रहते हैं, बट हमें तो अपने काम पे फोकस करना है, हल्की चीजें ऊपर नीचे होंगी तो हमें रुकना थोड़ी ना है ना सर। कोई नहीं जी कोई नहीं, प्रॉब्लम्स अपना काम करें, हम तो अपना काम करें, अपने काम पे पूरा फोकस होके। ये सर 8th क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट में, वो हम करेंगे सर नेक्स्ट पार्ट में। तो सर ये क्या कह रहे हैं, लंदन ब्रांच का एक केस था, लंदन में एक जनरल बैंक का केस था, जस्टिस लिंडले जी थे, इन्होंने बताया था कि ऊपर वाली बातों को सम अप करें, मतलब सम अप करें मतलब अगर हम कंबाइन करें सम अप करें तो क्या कहेंगे, वाट एन ऑडिटर शुड बी एज रिगार्डेड द पर्सनल क्वालिटीज, ठीक है सर, उसकी जो पर्सनल क्वालिटी है वो तो उसके पास रहेंगी। उसने क्या कहा सर ध्यान से सुनना, एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार होने चाहिए, दैट इज ही मस्ट नॉट सर्टिफाई वाट ही डज नॉट बिलीव, मतलब एक ऑडिटर वो कभी सर्टिफाई ना करे जिस पे वो खुद से भरोसा ना करता हो, टू बी ट्रू एंड मस्ट टेक रिजनेबल, उसे हमेशा सच का साथ देना है और हमेशा उसे रिजनेबलनेस शो करनी है, ठीक है सर, मतलब जजमेंटल बेस ना हो जाए, उसको अपना जो ऑडिट वाला माइंड है, जो सीएफएल वाला माइंड है, जो उसको परमात्मा ने शक्ति दी है सोचने समझने की, उसको उसे टेक रिजनेबलनेस केयर, उसे उसका ध्यान रखते हुए काम करना है, स्किल का अपने यूज करना है जो 3 साल उसने आर्टिकलशिप के दौरान सीखा, बिफोर ही बिलीव्स दैट वाट ही सर्टिफाइड इज ट्रू, और तब तक वो सर्टिफाई ना करे जब तक उसे खुद भरोसा ना हो जाए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, ठीक है सर। इसके साथ मैं इस पार्ट से अलविदा लेना चाहूंगा सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं सर नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो सर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड सर प्लीज अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो मैं पक्का दूंगा आपको इसके लिए, मेरा टेलीग्राम का सर एक ग्रुप है, ठीक है सर, और उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो इस वीडियो के नीचे है, वहां से आप ले लें। अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेरी है, आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझसे मेल करना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो सर cahub.007@gmail.com सर मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप ले लीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं सर नेक्स्ट पार्ट में।